अरविंद केजरीवाल अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं पार्टी का, आपके राष्ट्रीय संयोजक हरियाणा में, उसकी क्या पूरी प्लानिंग है? कल से चुनाव अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। कल जगाधरी से शुरू करेंगे, रोड शो है जगाधरी में। जगाधरी के बाद फिर लगभग 13 इवेंट्स हैं, अलग अलग 13 विधानसभा में जाएंगे। इसमें दाबवाली, रानिया, भिवानी, मेहम, पुंडरी, कलायत, रेवाड़ी, दादरी, असंध, बल्लभगढ़ और बाडरा, अभी इतने का शेड्यूल बना है। इनको कंप्लीट करने के बाद बाकी के जगहों का भी शेड्यूल बने। कई दिन, एक दिन में दो दो सभाएं हैं और किसी दिन एक सभा है। कल केवल जगाधरी में? कल सिर्फ जगाधरी में। अभी जैसे पिछले दिन हमने देखा गठबंधन की भी काफी कोशिश हुई, अब आप लोग सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास एक बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल है, क्या तैयारी है आप, क्या इस मंशा के साथ चुनाव में उतर रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे, या किससे लड़ाई आप देख रहे हैं? देखिए, हमारा कोएलिशन जनता के साथ है और हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, महंगाई से है, जो स्कूल की जो बुरी स्थिति है उससे है। ये सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और हमारी राजनीति लिमिटेड किसी एक पार्टी स्पेसिफिक के साथ या उसके अगेंस्ट, इस तरीके की छोटी राजनीति, छोटी भावना से आप नहीं जा सकते। आपको अपनी भावना, अपने सिद्धांत ऊंचे रखने पड़ेंगे। हम अच्छी भावना से, अच्छे सिद्धांत से, स्कूल, हॉस्पिटल जैसे गुड गवर्नेंस के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब जनता जो आशीर्वाद देगी वो होगा। बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, कई बड़ी घोषणा है उसमें, 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात है, लाडली योजना जो अलग अलग राज्यों में चलाते रहे उसकी बात है, कल कांग्रेस पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था, इनको कैसे? मैं इतने कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी हर चुनाव में इन्होंने इस तरीके से मैनिफेस्टो रिलीज किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपके सारे दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके पुराने सारे मैनिफेस्टो को उठाकर एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें कितना पूरा हुआ है। ये सारे इनके लिए एक दिन का इवेंट होता है कि आज ये बोल लो, कल से तो कुछ भूल जाना है उसको। तो इनके लिए इनका मैनिफेस्टो, इनका वादा बिल्कुल सिर्फ कोरे कागज पे रहता है। इससे अलग एक सवाल सर, कल परसों आपके नए मंत्रिमंडल का शपथ होना है, आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे, एक नया नाम है मुकेश शहलावत का, जो राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद SC/ST कोटे से सीट खाली हुई थी, क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए शक्ति संतुलन किया गया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक मुख्यमंत्री बनने के लिए सक्षम है, आम आदमी पार्टी के सारे विधायक मंत्री बनने के सक्षम है और मंत्रिमंडल का चयन PAC है और जो मुख्यमंत्री है उनका प्रेरोगेटिव होता है, वो आपस में डिस्कस करके करते हैं। मुकेश शहलावत ने मतलब मंत्री बनने उन्हें शुभकामनाएं देंगे? बिल्कुल, उनको शुभकामनाएं दूंगा। वो बहुत अच्छे विधायक भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, रूट से जुड़े हुए हैं और अपने समाज में भी उनका रसूख है और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो।